शर्मा शो ने जुलाई 2023 में सोनी टीवी से ब्रेक ले लिया था। तब से कॉमेडियन के फैंस उनकी टीवी पर वापसी का इंतजार कर रहे थे। अब कॉमेडियन ने अपने कमबैक की घोषणा कर दी है, लेकिन उनकी इस घोषणा के पीछे एक ट्विस्ट है। कपिल शर्मा अपने पुराने साथियों के साथ अब टीवी पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है और इस शो में अर्चना पूरन सिंह, राजीव ठाकुर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी उनके साथ नजर आएंगे। इसी के साथ ही पील की एंट्री की खुशखबरी शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया ने लिखा कि क्या आपको कपिल शर्मा का नया एड्रेस पता है। आपको बता दें कि अब उनका नया पता बदल गया है, क्योंकि कपिल और उनकी गैंग जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस कैप्शन के साथ कपिल का एक वीडियो भी नेटफ्लिक्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है और कॉमेडियन ने बड़े ही मजेदार अंदाज में अपने लाखों फैंस के साथ उनके नए प्रोजेक्ट की गुड न्यूज शेयर की है। नेटफ्लिक्स इंडिया के वीडियो में हम देख सकते हैं कि कपिल शर्मा अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। कॉमेडियन के साथ उनकी असिस्टेंट भी हैं। अपने असिस्टेंट को आदेश देते हुए वो कहते हैं कि अपने नए घर में कोई भी पुरानी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन उनके नए घर के कोने कोने में उन्हें उनके पुराने साथी यानी अर्चना पूरन सिंह, राजीव ठाकुर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा मिलने चाहिए। उन्हें देख नाराज कपिल को जब उनकी असिस्टेंट पूछती है कि क्या इन सबको बाहर निकाल देना चाहिए, तब इस सवाल का जवाब देते हुए कपिल कहते हैं कि घर बदला है, परिवार नहीं। सूत्रों की माने तो कपिल शर्मा का ये शो उनके हर कॉमेडी शो की तरह होगा। सबसे पहले कपिल ने खुद के प्रोडक्शन के साथ कलर्स टीवी पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा की शुरुआत की थी। फिर चैनल के साथ हुए मनमुटाव के चलते उन्होंने सोनी टीवी पर सलमान खान प्रोडक्शन के तहत द कपिल शर्मा शो की शुरुआत की। पिछले कई समय से कपिल का ये कॉमेडी शो TRP चार्ट का कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा था। वही पुराने मेहमान बार बार रिपीट हो रहे थे और यही वजह है कि शो को वापस लाने में चैनल की तरफ से भी उत्सुकता नहीं दिखाई जा रही थी और यही वजह है कि कपिल अब OTT पर अपना कमाल दिखाने को तैयार हैं।